राम राम जी। हरियाणा के लोग हैं, इधर तुम्हें चलावे बिना वोट के, इधर
विधानसभा का इलेक्शन है, चाहे 14 हो गई हो चाहे 15 हो गई हो, जननायक की जनता पार्टी है, बनाई आपकी पार्टी है, चापी चीन जो है वो चुनाव चीन जो है वो चापी वो है। मैं तो हर हाथ तोड़ के निवेदन करूंगी कि गांव में है ज्यादा से ज्यादा लोग जगह है, मैं चंदाई जनता पार्टी आप मैं घोषणा पत्र खाकर बताऊँ की घोषणा पत्र में आपको की नई घोषणा डाली है, मैं जनता पार्टी को राह जाने पर किसान मजदूर तो मेरे पर तो कर्जों माफ करने को काम चंदाई जनता पार्टी ने, जबकि पेंशन मौजूदा सरकार 2000 रुपया दे लाती है, वही पेंशन बढ़ा के 2000-3000 तक किया काम करा था, जबकि पेंशन में 3000 के बजाय में संसद ने 1.5 लाख की घोषणा पत्र में जबकि पेंशन मुफ्त को लीटर पे 3000 मैं को बेटा 3000 बढ़ा के 5000 कर दो क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 3000 काम कौन कर रास्ता, जबकि दवाई खर्च कितने का पानी को मिलने को भी लेगा आम आदमी को 5000 रुपया खर्च है, तो 3 की बजाय की कोशिश करा था कि आप 5000 घोषणा पत्र में दादाजी के जन्मदिन का दिन कोशिश करो कि मेरा तुमने कह दिया, पर मौजूदा जो डाले जो है वो 3000 रुपया डाले, उम्र चंडी है 60 वर्ष घटा के महिलाओं की 55 वर्ष कराना, तो दूसरा की चंडी है 12 वर्ष कर लोगों का और बहुत सारी घोषणा जो की घोषणा पत्र में डाली गई है, हर किसान ने ट्यूबवेल कनेक्शन की देने की बात है, 6800 गांव में आरओ सिस्टम लगाने की बात है, लड़कियां की जबकि शिक्षा है आप पहली क्लास को लेके चाहे वो 8वीं पास करो 10वीं पास करो वह बी ए पास करो, लड़कियां की जबकि शिक्षा है वह बिल्कुल मुफ्त करण को काम करना बेटी और जबकि नौकरी है आ जाएगा मैं 75 पार पर मैं कहूँगी जननायक जनता पार्टी जबकि है वह 75% आरक्षण ला के हर गाँव में हर घर में एक बच्चा नौकरी देने को काम डाली गई है, मैं सारी बातें भी करा दोबारा भी आऊंगा थारे बीच में बार बार क्योंकि एक मिनोरे इलेक्ट ना हो, पर आज मैं थाने स्पेशल रैली को लोगों के लिए खातर आई हूँ कि ज्यादा से ज्यादा रैली में पहुंच के जननायक ज्योति देवीलाल जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित करो, जननायक जनता पार्टी ने मजबूत करो दुष्यंत का हाथ, उसके सारा आयो के सारा आया था सारा बहुत बहुत आज जो श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी के डबवाल हलके के प्रोग्राम थे वो आज इन प्रोग्रामों में हमारे गांव बिजूवाली में पहुंची, एक तो उन्होंने बिजूवाली में जो हाल बनवाया था एक तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया और जो 22 सितंबर को रोहतक में रैली है चौधरी देवीलाल जी को श्रद्धा सुमन सर भेंट करने हैं, जो सम्मान दिवस मनाती है जननायक जनता पार्टी रोहतक के लिए सबको उन्होंने आमंत्रित दिया है ताकि उसमें सारे हमारे साथी बढ़ चढ़ कर भाग लें और चौधरी देवीलाल जी को वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करें, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो मैं रैली का न्योता दे रही हूं, बाकी मेरा हल्का है, जब मन करो अपने हल्के में आओ और लोगों को संभालो क्योंकि लोगों ने बहुत साथ दिया और देते आ रहे हमेशा। देखो ये जो आशीर्वाद यात्रा है इसमें एक तो मैं सबसे बड़ी जो मुझे कमी लगी वो है कि मुख्यमंत्री लोगों के मतलब जमीन पे नहीं आए, वो आसमान में उड़ते रहे उसी में से वेव करते रहे लोगों को, तो उनको पता है भी काम तो किए नहीं, धरातल पे आऊँगा तो लोग घेरेंगे भी अपनी बातें भी बताएंगे, तो खिड़की में से मुंह निकाल के हाथ हिलाते रहे और लोगों को हाथ हिला के कहते रहे भी मुझे दोबारा मत लाना मुझे दोबारा मत लाना। देखो गांव में जा रहे हैं कोई रिस्पांस नहीं है लोगों को, इन्होंने झूठी बातें कर करके लोगों को बरगलाने का काम किया है, अगर ये इस चीज़ की आहें भर रहे हों भी लोकसभा में हम लोग 10 की 10 सीटें लेके आए तो वो तो मोदी जी के नाम पे मिल गई और क्योंकि चेहरे भी ऐसे थे कि मुझे लगता है मोदी जी को वोट देना जायज था लोगों का। और अब बात है विधानसभा के इलेक्शंस की, इसमें लोग जो हैं वो हरियाणा सरकार के काम देखेंगे और काम इन्होंने किए नहीं तो उसी हिसाब से वोट मिलेंगे बीजेपी को। जननायक जनता पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है, अगर उसके बराबर कोई टक्कर दे रही है तो जननायक जनता पार्टी दे रही है।